ये जो बैटरी है ये बिल्कुल न्यू बैटरी है, इसे बाइक में फिटिंग कैसे करना है और फिटिंग करने के बाद क्या क्या चीज़ चेक करना है जिससे अपने को भी प्रॉब्लम ना हो और कस्टमर को भी प्रॉब्लम ना हो, तो ये बैटरी को हम बाइक में लगाना कैसे आप लोगों को वो बताएंगे, और उसके बाद क्या क्या चीज़ चेक करना है कि कोई परेशान ना हो, ना तो कस्टमर परेशान हो ना हमको परेशानी कोई आए, तो पूरी जानकारी आप लोगों को आगे वीडियो में मिल जाएगी, आप लोग पूरी वीडियो देखना। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल टेक्नोलॉजी बाइक व्लॉग। मेरा नाम है इम्तियाज, होप करता हूँ सारे भाई बढ़िया होंगे, मैं भी बहुत बढ़िया हूँ। वीडियो को कर दो लाइक और चैनल को कर दो सब्सक्राइब। आज मेरे पास होंडा की सीबी यूनिकॉर्न बाइक है और इस बाइक में न्यू बैटरी लगाना है, जो पुरानी वाली बैटरी वो पूरी डेड हो चुकी है, तो इसमें नई बैटरी हम लगाएंगे, लगाना कैसे वो बताएंगे और लगाने के बाद क्या क्या चीज़ पर हमको ध्यान देना है जिससे बैटरी में प्रॉब्लम कोई ना आए, ना हमको कोई प्रॉब्लम हो, ना तो कस्टमर को कोई प्रॉब्लम। तो मैंने दोनों बार इसके निकाल दिए क्योंकि ये जो बैटरी लगी हुई है इसमें ये पूरी डेड बैटरी है। मैं आप लोगों को चेक करा के दिखा देता हूँ। देखो एक होल्डर एक बल्ब लिया है मैंने, अब यहाँ पे एक दो वायर में लगा के दिखाता हूँ। ये बैटरी जो पुरानी वाली है पूरी डेड हो चुकी है, देखो ये मैंने लगाया और ये बल्ब नहीं जल रहा है, ये लग गए, ये देखो पूरी बैटरी डेड हो चुकी है। ये बैटरी को निकालेंगे, नई बैटरी फिटिंग करेंगे, पूरी जानकारी आप लोगों को देंगे। चलो ये जो पुरानी वाली बैटरी है इसे मैं निकाल लेता हूँ और न्यू बैटरी को लगाते हैं, फटाफट से फिटिंग करते हैं। ये बैटरी पुरानी वाली इसे मैं निकाल लेता हूँ। चलो ये कुछ इस तरीके से निकाल लेना। और कितने नंबर की बैटरी लगती है होंडा यूनिकॉर्न बाइक में, यूनिकॉर्न बाइक में कितने नंबर की बैटरी लगती है वो भी बताएंगे। तो ये न्यू बैटरी SF सोनिक की बैटरी है और यहाँ पर अगर हम बात करें तो 48 मंथ इसकी वारंटी है। और ये जो नंबर बैटरी यहाँ पर दिखा हुआ TZ7BB, मतलब 7 नंबर की बैटरी होंडा की यूनिकॉर्न में लगती है। अब मैं इसमें देख लेता हूँ क्या क्या मिलता है। ये दो स्क्रू है मेरे बैटरी के, स्क्रू देखो ये दो स्क्रू है 10 नंबर के जो बैटरी के साथ मिलते हैं। अब इसकी बैटरी निकाल लेते हैं। ये न्यू बैटरी और इसके अंदर कार्ड होगा, ये है कार्ड बैटरी का वारंटी कार्ड, तो ये खो जाएगा तो बैटरी रिटर्न नहीं होगी, इसे बहुत संभाल के रखना पड़ेगा। अब इसके बाद इस बैटरी को लगाते हैं। चलो 7 नंबर की बैटरी लगती है, ये मैंने आप लोगों को बताया जो होंडा की यूनिकॉर्न है 7 नंबर की, 7 नंबर की बैटरी। यहाँ से इसका जो कपलर लगा हुआ है वो निकाल लेते हैं। यहाँ पे ये देखो ये निकला, एक यहाँ पे लगा हुआ है, ये कपलर को निकालते हैं, ये बाहर हो गया। अब इसमें माइनस प्लस देखना है, माइनस प्लस यहाँ पर लिखा हुआ और यहाँ पर देखो ये प्लस, यहाँ पर ये माइनस, तो माइनस प्लस देख के बैटरी लगाएंगे, वायर जो इसकी लगाएंगे। अब सीधा सा इसको बिठा देना है, यहाँ पे बॉक्स बना हुआ, बॉक्स में बैटरी को बिठाना, और उसके बाद ये जो लॉक वाली पट्टी इसे यहाँ पे करके इसे टाइट कर देना 10 नंबर के बोल्ट से। हमारा टाइट हो गया ब्रैकेट वाला बोल्ट, ये टाइट हो गया 10 नंबर का। अब इसमें थोड़ा सा क्या करेंगे, रेगमाल मारेंगे, दोनों जो पट्टी हैं रेगमाल मारेंगे। चलो रेग मार लेते हैं और इसमें मार देते हैं। जो पुरानी वाली ये पट्टी जो पुरानी है इसमें जंग लगी हुई है, इसमें कम लगी हुई, लेकिन जो इसकी मेन वाली वायर है जो रेड वाली प्लस वाली उसमें ज़्यादा है, तो इसको रेग मार मार के क्लीन कर लेना है। ये देखो मैंने क्लीन कर लिया है। अब क्या करेंगे, माइनस प्लस तो इसमें है ही है, ये प्लस ये माइनस है और वो वाली प्लस है, तो माइनस को इसमें लगा देंगे, प्लस को आगे लगा देंगे। चलो दोनों को लगाते हैं, ये बोल्ट है इसके। बैटरी जो है फिटिंग हो चुकी है, दोनों वायर हमने लगा दिए माइनस प्लस। अब इसको यहाँ पे लगा देते हैं और अब इसके बाद क्या करना है, चाबी को ऑन कर लेना है, न्यूट्रल लाइट देख लेना है, ये इंडिकेटर शो कर रहा है, इंडिकेटर को बंद करते हैं और बाइक को न्यूट्रल देखते हैं। न्यूट्रल नहीं आया, शायद बाइक गियर में है, तो गियर छुड़ाते हैं पहले इसका, देखो गियर में, ये देखो, तो इसका गियर कम करते हैं, आगे से एक ऊपर उठा देंगे, न्यूट्रल हो जाएगी। अभी ये न्यूट्रल हो चुकी है, व्हील घूमने लगा है, अब इसका जो न्यूट्रल लाइट है वो चालू हो गया। हॉर्न चेक करते हैं, हॉर्न नहीं बज रहा है। चलो हॉर्न की सेटिंग हम बाद में कर लेंगे, पहले इस बाइक को स्टार्ट करते हैं। पहले तो क्या करना है, चाबी को ऑन करना है, सेल्फ यूज नहीं करना है, न्यू बैटरी पे सेल्फ यूज नहीं करना है, पहले किक से स्टार्ट कर लेना है। मैं किक से पहले स्टार्ट कर लेता हूँ, ये देखो किक से स्टार्ट कर लिया। अब मैं इसे क्या करूँगा, 2-3 मिनट 4 मिनट तक इसे स्टार्ट रखूँगा, उसके बाद सेल्फ यूज करेंगे। अभी मैंने 5 मिनट तक बाइक को स्टार्ट रखा था, बाइक स्टार्ट थी, अब इसे बंद कर देते हैं, वापस से ऑन करते हैं, अब सेल्फ स्टार्ट करते हैं। चलो यहाँ से ये हो गई सेल्फ स्टार्ट, अगर वापस से बंद करते हैं
फिर से चालू करते हैं और सेल्फ चेक करते हैं। ये देखो सेल्फ स्टार्टिंग होने लगी, तो सेल्फ में कोई प्रॉब्लम नहीं थी। इसका हॉर्न नहीं बज रहा है, वो हम हॉर्न बाद में इसका सेट कर देंगे, बजने लगेगा। चलो इसके बाद क्या क्या चेक करना, न्यू बैटरी तो लगा दी हमने, सेल्फ भी चालू हो गया, अब चेक करने की बारी आती है। तो यहाँ से हमने चाबी ऑन किया, न्यूट्रल लाइट जल रही है। अब सबसे पहले इसकी बैक लाइट चेक करेंगे, तो बैक लाइट देखो डायरेक्ट जल रही है। ये देखो डायरेक्ट नहीं जलनी चाहिए, तो ये डायरेक्ट जल रही है। अब क्यों जल रही, चलो ये चीज़ चेक कर लेते हैं। अगर ये डायरेक्ट जलती रहेगी तो बैटरी चार्ज नहीं करेगी बाइक, बैटरी चार्ज नहीं करेगी और प्रॉब्लम करेगी। इसीलिए मैं बोल रहा था कस्टमर भी परेशान ना हो और खुद हम भी ना परेशान हो, तो ये सब चीज़ चेक करना ज़रूरी है न्यू बैटरी लगाने के बाद। अभी इसकी देखो बैक लाइट जल रही है। अब हो सकता है इसका जो ब्रेक स्विच है, या तो हेडलाइट तो बाइक चालू करने पे जलती है, ये ब्रेक वाली प्रॉब्लम कर रही होगी। यहाँ पे जो स्विच लगी होती है ब्रेक की स्विच, इसे दबाने पे पीछे की बैक लाइट जलती है। तो इस वायर को, एक वायर को निकाल के मैं देख लेता हूँ। यहाँ पे जैसे ही हमने वायर को निकाला लाइट बंद हो गई, तो एक काम हमारा कन्फर्म हो गया कि जो इसकी स्विच है, स्विच ख़राब है ब्रेक वाली। बाकी ये जो ब्रेक में स्विच लगती है यहाँ पे, ये स्विच ख़राब हो चुकी है। तो ये स्विच चेंज करोगे तो इस ब्रेक को दबाओगे बैकलाइट जलेगी। बाकी अभी हम इसे निकाल देंगे, क्योंकि बैटरी चार्ज भी होनी चाहिए, यानी कि नई बैटरी डाल दी और फिर बाद में प्रॉब्लम हो रही है। अभी बाइक को स्टार्ट कर देते हैं, वापस से बंद करते हैं। अब हमको चेक करना है बैटरी की चार्जिंग, चार्जिंग ज़रूरी है चेक करना। तो चलो इसको मल्टीमीटर को 20 पे सेट करते हैं, तो सेट कर लेना है। ये देखो 20 पे मैंने सेट कर लिया है। अब इसकी जो वायर है एक माइनस और प्लस, तो माइनस और प्लस में लगाएंगे, बैटरी के कनेक्शन देंगे इसको और इसको देखेंगे कितनी चार्जिंग बता रही है। ये मैंने दो वायर टच किया, 12:49, 12:50। अब बाइक को स्टार्ट करके देखते हैं बैटरी चार्ज हो रही या नहीं हो रही। तो चलो चाबी को ऑन करते हैं, बाइक को स्टार्ट करते हैं। बाइक स्टार्ट हो चुकी है। अब इसको वापस से माइनस प्लस में लगाते हैं, ये माइनस और ये प्लस। ये मैंने लगाया, देखो 12:50 था बाइक बंद होने पे, अभी 12:90 हो गया बाइक स्टार्ट होने पे। अब इसको रेस देते हैं। देखो रेस देने पे ये 14 के ऊपर जाना चाहिए, 15 नहीं होना चाहिए। 15 होगा तो बैटरी ज़्यादा चार्ज होगी, 14 के ऊपर रहेगा तो बिल्कुल राइट है बैटरी चार्ज हो रही। तो इतना सारा कुछ चेक करना बहुत ज़रूरी था और मैं ज़रूरी से समझता भी हूँ। ये सब चीज़ चेक कर लेंगे तो कस्टमर भी परेशान नहीं होगा और कस्टमर हमको भी आके परेशान नहीं करेगा, क्योंकि इसकी जो बैटरी है वो भी चार्ज हो रही है और जो बैग लाइट डायरेक्ट जल रही थी उसको भी हमने बंद कर दिया। बैग लाइट जलने की वजह से बैटरी कम चार्ज होती और फिर सेल्फ स्टार्ट बाइक ना होती तो कस्टमर हमारे पास लेके आते और फिर वही प्रॉब्लम होती, बाइक स्टार्ट सेल्फ से नहीं हो रही, तो फिर हमें प्रॉब्लम ज़्यादा फेस करनी पड़ जाती है। तो अभी बैटरी लगा दिया मैंने, सारी जानकारी आप लोगों को मैंने दी कि बैटरी न्यू लगाने के बाद क्या क्या चीज़ चेक करना है और क्या क्या चीज़ सही करना है। बाकी चलो मल्टीमीटर से भी हमने चेक करा दिया पूरी, इसकी जो कंप्लीट कर दिया मैंने इस बाइक को। अब इस बाइक को कस्टमर को दे देंगे फिटिंग करके। अब कोई प्रॉब्लम, कोई परेशानी कस्टमर बैटरी के लिए हमारे पास नहीं आएगा। बाकी चलो ये वीडियो करते हैं एंड, मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना और मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ताकि इसी तरीके की नई नई वीडियो मैं लाता रहूँ। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक और बेस्ट वीडियो के साथ।